रीवा में महिला के कथित प्रेमी ने मकान मालिक को मारी गोली। पति के गैर मौजूदगी में आया था मिलने। महिला को हिरासत में लेकर पुलिस प्रेमी की तलाश में जुटी। बता दें कि रीवा जिले के मऊगन कस्बे में मकान मालिक को गोली मार दी गई है। गंभीर हालत में युवक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक चालक पति महाराष्ट्र के सोलापुर ट्रक लेकर गया हुआ था, जबकि महिला किराए के मकान में अकेली थी। ऐसे में महिला का कथित प्रेमी आधी रात मिलने आया था। किसी दूसरे युवक की आवाज़ सुन मकान मालिक विरोध करने लगा। उसने तुरंत घर से निकालने के निर्देश दिए। इस घटनाक्रम के बाद महिला का कथित प्रेमी नाराज हो गया। वह आक्रोशित होकर कट्टे से फायर कर दिया, जिससे एक गोली सीने में धंस गई। वारदात के बाद प्रेमी युवक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मकान मालिक को सिविल अस्पताल मऊगंज में प्राथमिक उपचार दिलाया। इसके बाद रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बता दें कि मऊगंज एसडीओपी नवीन दुबे ने बताया कि एक चालक ने प्रियंका रावत नाम की महिला से लव मैरिज कर किराए के मकान में रहता था। पति की गैर मौजूदगी में महिला के संबंध अमित गुप्ता उर्फ विकास निवासी मनगमा से भी है। ऐसे में सोमवार मंगलवार की रात 3 बजे कथित प्रेमी मिलने आया हुआ था। वार्तालाप सुनकर मकान मालिक मनीष कचेर, पुत्र रामलाल कचेर, उम्र 35 वर्ष, निवासी सुंदरपुरवा, वार्ड क्रमांक 8, मऊगंज को विरोध करना महंगा पड़ गया। सूत्रों का कहना है कि मकान मालिक की दखलंदाजी के बाद कथित प्रेमी अमित गुप्ता भड़क उठा। उसने पास आता देख मकान मालिक के सीने में कट्टे से 2 फायर किए, जिसमें एक गोली सीने में जाके धस गई। वारदात के बाद कथित प्रेमी अमित गुप्ता वहां से फरार हो गया, जबकि महिला प्रियंका रावत को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल प्रकरण दर्ज कर मऊगंज पुलिस जाँच कर रही है। प्रस्तुत है घायल के भाई से प्राप्त जानकारी के अंश। नागेश्वर कचेर। जी, क्या घटना हुई आपके भाई किस, आप इनके साथ गठबंधन में, क्या नाम है? मनीष कचेर। मनीष कचेर, वो कौन है आपके? हमारे पड़ोसी है। पड़ोसी, कैसे घटना हुई? हमको ये ज्यादा जानकारी नहीं है। गोली लगी है उनको? हाँ जी, गोली लगी है। कहाँ पे घटना हुई? ये मऊगंज। मऊगंज, मऊगंज में कहीं आस पास टोला में? वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8 में घटना हुई जी। गोली कौन मारा है? अभी तो इनके मतलब घर है, घर किराए से दिए है। घटना है ये करीबन 3 बजे करीब मैं सुना हूँ। कल 3 बजे की नहीं, आज सुबह में मतलब रात में। गोली मारने का कारण क्या था ये तो हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, पर किराएदार के यहाँ कोई गुस्सा था। तो गोली मारे तो पकड़ गए? हाँ, ये लेडीज पकड़ गई है। एक लेडीज पकड़ गई है जी। कितने लोग थे मतलब घटना में, ये तो हमको मालूम नहीं है जी। नहीं, पुलिस ने मामला कायम कर लिया है जी। कर लिया। अस्पताल कैसे पहुंचे आप लोग? हम लोग मतलब अभी पहुंचे 7-8 बजे करीब। 7-8 बजे घटना लगभग 3 बजे की है। हाँ, आरोपी एक ही पकड़ गया है। हाँ जी, किस बात को लेकर विवाद हुआ था अभी? तो किस बात को लेकर मारे गए? अभी तो हमको सुनाई में दिया कि मतलब ये कोई अंदर घुसा था इनके, मतलब जो किराए से घर दिए हैं उनके जाके अंदर एक औरत थी, मतलब किराएदार थे, किराएदार के अंदर कोई जेंट्स घुसा हुआ था। तो पड़ोसी ने बताया कि बगल में कोई घुसा हुआ है, तो ये गए मुआयना करने। गए मुआयना करने के बावजूद इनको पता चला कि ये दूसरा कोई घुसा हुआ है। महिला जो पकड़ गई उसका नाम क्या है? नहीं, ये तो नहीं मालूम है सर। कहाँ की घटना है? मऊगंज की। मऊगंज जी। थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गई है जी। पुलिस आई थी? हाँ आई थी। गोली कहाँ पे लगी है? सीने के नीचे में।